मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ पोटैटो रोल, जो कि बच्चों और बड़े सभी को पसंद आते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पोटैटो रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंथ लेते हैं। यहाँ पर मैं एक कटोरी मैदा ली हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैंगरेल ली हूँ, जिसे कलौंजी भी कहा जाता है। यहाँ पर मैं एक चम्मच नमक डालूंगी, छोटा चम्मच। अब यहीं पर मैं मोयन के लिए चार चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। अब इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दोनों हाथों से इस तरह से हमें मोयन को मिला लेना है। आटे को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए बाइंड होने लगा है, इसका मतलब मोयन हमारा परफेक्ट है। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को हम गूंथ लेंगे। इससे हमें एक सॉफ्ट डो बना लेना है। आटे को हमने गूंथ लिया है। अब इसे हमें ढक कर 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि हमारा आटा जो है अच्छी तरह से सेट हो जाए। आटा हमारा जब तक सेट हो रहा है, तब तक हम मिश्रण की तैयारी कर ले रहे हैं। यहाँ पर मैं 3 उबले हुए आलू ली हूँ, इसे हम कद्दूकस करेंगे। सभी आलू को हमें कद्दूकस कर लेना है। आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है। और इसमें हम डालेंगे कूटी हुई लाल मिर्च। अब यहीं पर मैं हरा मिर्च डाल रही हूँ, तो बारीक हमने काट लिया है। अब यहीं पर हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब यहीं पर हम एक चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। अब यहीं पर मैं स्वाद अनुसार नमक डालेंगी। अगर धनिया पत्ता हो तो आप धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम इसे मिक्स कर देंगे। सभी आलू के मिश्रण को हमने रोल बना लिया है इस तरह से। अब एक कटोरी में हम 2 चम्मच मैदा लेंगे। ऐसे थोड़ा सा पानी डालकर घोल तैयार करेंगे। आटा हमारा सेट हो चुका है। अब इसके हम लोइया बनाएंगे। अब इसे हम पतला पतला बेल लेंगे। आटे को हमने रोटी की तरह बेल लिया है। अब इसे हम साइड से काट देंगे।
अब इसे हम फोल्ड करते हुए इस तरह से फोल्ड करते जाना है। अब यहाँ पर हम जो लेप लगा बनाए थे उसे हम चिपका देंगे। इसी तरह से हम सभी रोल बना लेंगे। सारे रोल को हमने बना लिया है। गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम रोल को तलेंगे। रोल को हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे तलना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। इसे हमें चारों तरफ से इस तरह घुमा घुमा कर सेकना है, रोल जो हमारे कच्चे न रहे। रोल हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। अब बाकी रोल को भी हम इसमें तल लेंगे। इससे हमें तुरंत न चलाएं, थोड़ा सा पक जाने के बाद ही चलाएं। अब इसे हम पलट देंगे। पोटैटो रोल बनकर हमारा तैयार है। यह बहुत ही टेस्टी लगता है। बनाते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आलू जब आप उबालें तो उसे ज़्यादा न उबालें, नहीं तो हमारा मिश्रण जो है गीला हो जाएगा और रोल बनाते वक्त परेशानी होगी। इसलिए आप आलू को ज़्यादा न उबालें। अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रेसिपी का आनंद उठा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप देखते रहें मीना की रसोई।